गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ क्लास 8। जैसा कि मैं लास्ट वीडियोस में आप लोगों को साउंड के बारे में पढ़ा रहा था, जो आपका नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा था, तो जैसा कि मैंने आपको साउंड में आपको साउंड का जो मेन पार्ट था, साउंड का गणित बेसिक पार्ट, साउंड क्या है, साउंड बेसिकली किस चीज में हेल्प करता है, आपको क्या करता है, वो क्या मदद है उसका, हमारे लिए कैसे यूजफुल है, कैसे हम उसको सेंस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं सुन के, तो ये सब हमने पढ़ा था। मैंने ये भी बताया था प्रोडक्शन ऑफ साउंड कैसे होता है, साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, जब भी कोई बॉडी या जब भी कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो जब वाइब्रेशन स्टार्ट होता है, वाइब्रेट करता है, तब वहां पे प्रोडक्शन होता है साउंड का। क्लियर, वेरी क्लियर। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से बताया था, आप लोग वीडियोस को ध्यान से देखिएगा, वीडियो स्टेप में मैंने बताया था, ध्यान से समझिएगा। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक पढ़ के भी हेल्प ले सकते हैं, आप लोगों को ज्यादा अच्छा ज्यादा फील होगा। और अगर कोई वीडियोस में कोई डाउट्स हो तो मैं, जैसे कि मैं पहले भी मैंने कहा था, आप लोग उस डाउट्स को कमेंट सेक्शन में आकर क्लियर कर सकते हैं। बस ग्रुप में इन्फॉर्म कर देंगे किस वीडियोस के पार्ट में क्या डाउट है। वेरी क्लियर। तो चलिए आइए हम लोग बिना टाइम का वेस्ट किए हुए अपना टाइम को यूटिलाइज करते हैं और देखते हैं हम लोग आगे कि साउंड है क्या। आखिर तो यहाँ मैंने बताया है कि साउंड क्या है। तो साउंड एक फॉर्म है वेव का, साउंड एक तरह का वेव है, वेव का मतलब तरंग जिसको बोलते हैं, जो वेव मीन्स फ्लोइंग मूवमेंट। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर एक वेव को मूव करने के लिए मीडियम चाहिए, लेकिन ध्यान से रखिएगा साउंड ट्रैवल्स थ्रू द मीडियम। अब ये मीडियम क्या होता है, मीडियम मतलब क्या, माध्यम, माध्यम का मतलब कोई ना कोई जरिया होता है साउंड के ट्रैवल करने का, तभी वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करेगा, अदरवाइज वो ट्रैवल नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, साउंड नीड्स ट्रैवल्स टू मीडियम। साउंड कौन कौन सा मीडियम हो सकता है, जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं, हम बोल रहे हैं तो मेरी आवाज आप लोगों तक जा रही होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इस स्पेस में एयर है, कुछ नहीं है तो क्या है, एयर तो अर्थ एटमोस्फेयर पे हर एक जगह एयर है, तो साउंड ट्रैवल करेगा, ठीक है। एयर में तो लिक्विड में भी, और पानी के अंदर भी कोई आवाज निकलता है, या पानी के अंदर भी, पानी में भी कोई आवाज का प्रोडक्शन कराना चाहते हैं तो हम करा सकते हैं। वेरी क्लियर। सॉलिड सबसे तेज अगर साउंड का स्पीड किसी मैटर को सॉलिड का है, क्यों, देखो यहाँ पे साउंड कैसे ट्रैवल करता है, फेनोमेना क्या है उसका, तो देखिए साउंड एक तरह का मॉलिक्यूलर पार्ट है। तो जैसे सॉलिड में आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं बता दूं, फॉर एग्जाम्पल हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ ये है मेरा, ये है सॉलिड, ये है लिक्विड, और ये है मेरा गैस। हम छोटा सा एक एग्जाम्पल लेके आप लोगों को एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे सॉलिड में साउंड की तेज स्पीड है, यानी साउंड सबसे तेज सॉलिड में मूव करता है और गैस में कम। सॉलिड का इंटरमॉलिक्यूलर जो मॉलिक्यूल है वो क्या है, इतने कम कम दूरी पर है, तो मतलब इसमें मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा है, उसके कंपेयर में इसमें मॉलिक्यूल क्या है, थोड़ा ज्यादा ज्यादा दूरी पर अटैच है, इसके कंपेयर में इसमें मॉलिक्यूल है ही नहीं, बहुत कम है, तो इसमें मॉलिक्यूल क्या है, ज्यादा ज्यादा है, तो कम दूरी के मॉलिक्यूल से ज्यादा मॉलिक्यूल, तो क्या करता है साउंड जैसे ही इसके अंदर आता है तो ये बहुत तेजी से इसको पास कराता है, बहुत तेज स्पीड से पास कराने लगता है, क्योंकि इसका मॉलिक्यूल काफी कॉम्पैक्ट है, क्लोज है। वही अगर हम चले लिक्विड में, तो लिक्विड में वो मॉलिक्यूल हल्का हल्का गैप पे है, तो एज कम्पेयर टू सॉलिड, सॉलिड से कंपेयर में ये थोड़ा कम स्पीड से भगा पाता है, ये थोड़ा साउंड को कम स्पीड से भगा पाता है। तो इसलिए साउंड का जो स्पीड होगा सबसे ज्यादा इसमें होगा और सबसे कम इसमें होगा, और इसमें होगा मीडियम, मतलब सबसे ज्यादा और सबसे कम इसमें, बीच में ज्यादा ना कम, सबसे ज्यादा इसमें, उससे कम इसमें, सबसे कम इसमें, क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल बहुत कम होता है, इस कारण से साउंड वेव को ट्रैवल करने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो होप सो, आई थिंक सो, आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे कि मीडियम क्या होगा, और यही कारण है कि हम लोग साउंड वेव जो है, हम जैसे स्पेस में जाते हैं, ठीक है, तो वहां पे हम लोग रेडियो सिग्नल्स के थ्रू बात करते हैं, किसके थ्रू बात करते हैं, रेडियो सिग्नल्स के थ्रू, क्यों, क्योंकि रेडियो सिग्नल जो है एक ऐसा तरह का वेव है, जैसे ये साउंड वेव है आपका, ये आपका मैं बता दूं किस तरह का वेव, मैंने आपको बताया था, ये आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये क्या है आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव। वेरी क्लियर, बहुत सारे बता रहा, लॉन्गिट्यूडनल वेव
और ट्रांसवर्स वेव एक और होता है। तो अगर वो भी क्लास एट में है तो नाइन्थ में जाइएगा तो एक स्टेप पढ़ेंगे साउंड, उसमें आपको बहुत ज्यादा डिटेल तो कुछ नहीं है, तो बहुत कम है, उसमें आपको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना होगा। तो नाइन्थ में कुछ कुछ पार्ट लेके मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया ताकि आपको बेटर समझ में आए और आगे जाके फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। क्लियर? तो ये एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, तो इसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम का जरूरत है और वो मीडियम है सॉलिड इक्विटोरियल गैस यानी एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो स्पेस में कैसे हम लोग अगर स्पेस स्टेशन से बात कर रहे होते हैं तो कैसे बात करते हैं हम लोग? साउंड वेव से बात नहीं करते, रेडियो वेव से बात करते हैं, और वो ट्रांसवर्स वेव है, उसको ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए, सिग्नल चाहिए। और सिग्नल तो कहीं भी जा सकता है, लेकिन ये साउंड वेव है ये कहीं भी नहीं जा सकता, ये सिर्फ एटमोस्फेयर नहीं या जहां कहीं मीडियम हो वहीं पर सुनाई देगा। इसलिए स्पेस में जिसे मैंने आपको बताया, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी दो एस्ट्रोनॉट किसी सर्फेस पर लैंड किए, आपस में कम्युनिकेशन करना होगा तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो रेडियो सिग्नल से इसको करेंगे, ना कि बोल, अगर वो बोलेंगे भी तो सामने वाले को कुछ सुनाई नहीं देगा क्योंकि वहां एटमोस्फेयर नहीं है। क्लियर? आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए साउंड वेव जो है टू एंड फ्रो मोशन से मूव करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑसिलेशन। ऑसिलेशन का मतलब मीन से एक्सट्रीम और एक्सट्रीम से मीन। देखिए मीन क्या है, एक्सट्रीम क्या है? मीन जो कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, और एक्सट्रीम दो चीज हो सकता है, या तो सबसे ज्यादा या तो सबसे कम। एक्सट्रीम का मतलब दो चीज, एक्सट्रीम का मतलब दो चीज। देखिए ये मीन है, ये इस मतलब मीन लाइन है, ये सबसे ज्यादा और ये सबसे कम। तो सबसे ज्यादा को भी एक्सट्रीम बोलेंगे क्योंकि वो भी एक्सट्रीम पॉइंट में है ना, इससे आगे साउंड नहीं जा सकता, तो एक्सट्रीम पॉइंट हो गया इसका, साउंड वेव नहीं जा सकता। फिर ये देखिए नीचे आए तो इससे कम साउंड वेव नहीं जा सकता, तो ये भी एक्सट्रीम पॉइंट है, यानी मीन टू एक्सट्रीम और एक्सट्रीम टू मीन। इसी सिलसिले में आपका पेंडुलम वर्क है। पेंडुलम क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल देखिए पेंडुलम यहाँ यहाँ, तो ये होता है आपका मीन पॉइंट और ये होता है आपका एक्सट्रीम और ये भी होता है आपका एक्सट्रीम पॉइंट। ठीक है, इसी तरह से ना अटैच होता है पेंडुलम, यहां से यहां गया फिर यहां से आया, यहां से यहां गया फिर यहां से आया। तो इस तरीके से आपको जो है साउंड वेव भी ट्रैवल करता है, मीन टू एक्सट्रीम और एक्सट्रीम टू मीन। तो ये जो था आपका, ये जो टॉपिक था बेसिकली आपको साउंड वेव के बारे में बताना था। साउंड वेव क्या है? तो साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव है, उसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए और कुछ इस तरह का दिखता है, जिसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। और ट्रैवल कैसे करता है? तो मीन टू एक्सट्रीम और एक्सट्रीम टू मीन, जिसको हम लोग टू एंड फ्रो मोशन करते हैं। ऑसिलेशन पढ़े होंगे, ऑसिलेटरी मोशन पढ़े होंगे, उसको वाइब्रेटरी मोशन भी बोलते हैं हम लोग। तो ये था आपका साउंड। तो आई थिंक सो आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग इसके आगे यानी जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो अगर बेसिकली अगर नाइन्थ में पढ़ेंगे ये चीज, तो ये साउंड का कैरेक्टरिस्टिक्स है, बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं बताया गया, बट फिर भी मैं आपको उसको एज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड ही बताऊंगा ताकि आप लोगों को फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो, कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि ये बहुत ईजी टॉपिक है समझने के लिए। आपको प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करना है, जो जो चीज मैं बताता हूँ आप लोग उसको प्रैक्टिकली सोचिए कि ऐसा होता है, तब आप लोगों को बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आइए हम लोग चलते हैं हमारे अपने नेक्स्ट वाले